अध्याय 8। अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर अमल करते हैं तो आप अपने आप अमीर बनते हैं। मेरे मित्र टॉम एक उत्कृष्ट शेयर दलाल हैं। वे अक्सर कहते हैं, दुखद बात यह है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे नहीं कमाते हैं। टॉम स्पष्ट करते हैं कि हालांकि हो सकता है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे न गंवाएं, लेकिन फिर भी वे पैसे कमाने में असफल रहते हैं। अमीर डैडी ने भी मुझसे ऐसी ही बातें कही थी। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उनमें से अधिकतर एक दिन पैसे बनाते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गंवा देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुल मिलाकर वे पैसे न गंवाएं, लेकिन वे पैसे कमा नहीं पाते हैं। इसके बावजूद वे खुद को निवेशक मानते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि वह दरअसल निवेश का हॉलीवुड संस्करण है। आम आदमी के दिमाग में ऐसी तस्वीरें रहती है कि फ्लोर ट्रेडर दिन के कारोबार के शुरू में खरीदी बिक्री के ऑर्डर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, या फिर उन शक्तिशाली उद्योगपतियों की तस्वीरें रहती है जो एक ही सौदे में लाखों डॉलर बना लेते हैं, या फिर स्टॉक के भाव रसातल में जाने की तस्वीरें और निवेशकों के ऊंची ऑफिस की इमारतों से बाहर निकलने की तस्वीरें। अमीर डैडी के हिसाब से यह निवेश नहीं था। मुझे एक कार्यक्रम याद है जिसमें वारेन बफे का इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू के दौरान मैंने उन्हें कहते सुना था, मैं बाजार सिर्फ एक कारण से जाता हूं, मैं यह देखने जाता हूं कि क्या कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। बफे ने आगे स्पष्ट किया कि वे टीवी पर आने वाले ज्ञानियों को नहीं देखते हैं। दरअसल वे अपना निवेश शेयर के प्रचारकों और तथाकथित निवेश खबरों से पैसे बनाने वाले लोगों के प्रचार प्रसार तथा शोर शराबे से दूर करते हैं। निवेश वह नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि निवेश वह नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। उन्होंने कहा था, कई लोग सोचते हैं कि निवेश एक रोमांचक प्रक्रिया है जहां बहुत सा नाटक होता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है बहुत सारा जोखिम, किस्मत, सही समय और जोरदार टिप्स। कुछ को लगता है कि वे निवेश के रहस्यमय विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए वे अपना विश्वास और पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द कर देते हैं जो उनके हिसाब से उनसे ज्यादा ज्ञानी है। कई बार तथाकथित निवेशक यह साबित करना चाहता है कि वे दूसरे लेना चाहता है कि वे दूसरे लोगों से अधिक जानते हैं, इसलिए वे खुद निवेश करते हैं और यह साबित करने की फिराक में रहते हैं कि वे बाजार से बेहतर प्रदर्शन करके उसे हरा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को यह निवेश लगता है, लेकिन मेरे लिए यह निवेश करना नहीं है। मेरे लिए तो निवेश एक योजना है। अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया। जब मैंने अमीर डैडी की यह बातें सुनी तो मैंने इसे उनके सामने कई बार दोहराया, निवेश एक योजना है। अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया। मैंने पूछा, अमीर बनने की बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो मैंने कहा है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। निवेश बस एक योजना है जिसमें अमीर बनने के फार्मूले और रणनीतियां हैं, एक तक गारंटी शुदा। मैंने कहा, लगभग गारंटी? अमीर डैडी ने दोहराया, थोड़ा बहुत जोखिम तो हमेशा रहता है। आपका मतलब है कि निवेश का जोखिम भरा, खतरनाक और रोमांचक होना जरूरी नहीं है? मैंने झिझकते हुए पूछा। सही कहा, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जाहिर है, जब तक कि तुम इसे ऐसा न मानते हो या यह नहीं सोचते हो कि निवेश को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए तो निवेश उतना ही सरल और नीरस काम है जितना कि ब्रेड की बेकिंग की विधि पर अमल करना। व्यक्तिगत रूप से मैं जोखिम से नफरत करता हूं। मैं तो बस अमीर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं बस योजना, विधि या फार्मूले का अनुसरण करना चाहता हूं। मेरे लिए निवेश का यही मतलब है। अगर निवेश किसी विधि का पालन करने जितना सरल मामला है तो फिर इस फार्मूले पर ज्यादा लोग क्यों नहीं चलते हैं? मैंने पूछा।
इस फार्मूले पर ज्यादा लोग क्यों नहीं चलते हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, अमीर डैडी ने कहा। मैंने अक्सर खुद से यह सवाल पूछा है। मैं भी हैरान हूं कि 100 अमेरिकियों में से सिर्फ 3 ही अमीर क्यों हैं। इतने कम लोग एक ऐसे देश में अमीर कैसे बन सकते हैं जो इस विचार पर आधारित था कि हम में से प्रत्येक को अमीर बनने का अवसर मिले। मैं अमीर बनना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे लिए यह सामान्य बुद्धि की बात थी कि अमीर बनने की योजना या विधि खोजूं और फिर उसका अनुसरण करूं। अपनी खुद की योजना क्यों बनाना जब कोई दूसरा पहले ही आपको रास्ता दिखा चुका है? मैंने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई विधि भी है। अमीर डैडी ने आगे कहा, अब मुझे एहसास हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को आसान योजना पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, इंसान बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और कोई अधिक रोमांचक तथा मजेदार काम खोजना चाहते हैं, इसलिए 100 में से सिर्फ 3 लोग ही अमीर बन पाते हैं। वे एक योजना पर अमल शुरू करते हैं लेकिन जल्दी ही ऊब जाते हैं, इसलिए वे योजना पर अमल करना छोड़ देते हैं और फिर फटाफट अमीर बनने के लिए किसी जादुई तरीके की तलाश करते हैं, इसलिए वे अमीर नहीं बन पाते। वे अमीर बनने की एक आसान सरल योजना पर चलने की बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि निवेश के जरिए अमीर बनने के लिए थोड़े जादू की जरूरत होती है, या वे सोचते हैं कि जो योजना जटिल नहीं है वह अच्छी नहीं हो सकती। मेरा भरोसा करो, निवेश के मामले में सरल जटिल से बेहतर होता है। आपको आपका फार्मूला कहां से मिला? मैंने पूछा। मोनोपोली खेलकर, अमीर डैडी ने कहा। हम में से अधिकतर ने बचपन में मोनोपोली खेला है। फर्क यह है कि मैंने बड़े होने के बाद भी यह खेल खेलना नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें याद है, बरसों पहले मैं तुम्हारे और माइक के पास घंटों तक मोनोपोली खेलता था? मैंने सिर हिलाया। और यह आसान खेल जबरदस्त दौलत का जो फार्मूला बताता है, क्या वह तुम्हें याद है? एक बार फिर मैंने सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, और यह सरल फार्मूला या रणनीति क्या है? 4 हरे मकान खरीदो, फिर उन 4 हरे मकानों के बदले में एक लाल होटल ले लो, मैंने धीरे से कहा। जब बचपन की यादें मेरे दिमाग में तेजी से दौड़ी, जब आप गरीब थे और असली जिंदगी में मोनोपोली खेलना शुरू कर रहे थे, तब आपने हमें बार बार बताया था कि आप यही कर रहे थे, और मैंने यही किया, अमीर डैडी ने कहा। क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें अपनी असल जिंदगी के हरे मकान और लाल होटल दिखाने ले गया था? मुझे याद है, मैंने जवाब दिया। मुझे याद है कि मैं इस बात से कितना प्रभावित था कि आपने असल जिंदगी में उस खेल को वाकई खेला था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन फिर भी मैं यह बात जानता था कि आपके लिए मोनोपोली एक खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मुझे बस इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह सरल खेल आपको अमीर बनने की एक रणनीति, विधि या फार्मूला सिखा रहा था। मैं उसे इस तरह नहीं देख पाया, अमीर डैडी ने कहा। एक बार जब मैंने फार्मूला सीख लिया, तो 4 हरे मकान खरीदने और उन्हें एक लाल होटल में बदलने की प्रक्रिया या फार्मूला स्वचालित बन गया। मैं इसे अपनी नींद में भी कर सकता था, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे मैंने यही किया था। मैं इसे बिना ज्यादा सोचे स्वचालित रूप से करने लगा। मैंने सिर्फ 10 साल तक इस योजना पर अमल किया, और एक दिन जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अमीर बन गया था। क्या यह आपकी योजना का एकमात्र हिस्सा था? मैंने पूछा। नहीं, यह नहीं था, लेकिन यह रणनीति कई सरल फार्मूलों में से एक थी जिन पर मैं चला था। मेरा मानना है कि अगर फार्मूला जटिल है तो वह अनुसरण करने लायक नहीं है। अगर उसे सीखने के बाद आप उसे स्वचालित अंदाज में नहीं कर सकते, तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास एक सरल रणनीति है और आप इस पर चलते हैं, तो निवेश करना और अमीर बनना स्वचालित होता है। जो लोग सोचते हैं कि निवेश करना मुश्किल है, उनके लिए एक बेहतरीन पुस्तक।
मेरी निवेश हमेशा निवेश कक्षाओं में हमेशा कोई न कोई आलोचक या शंका करने वाला रहता है, जो मेरी इस बात पर आपत्ति उठाता है कि निवेश एक योजना पर चलने की सरल और उबाऊ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का व्यक्ति हमेशा अधिक तथ्य, अधिक आंकड़े और बुद्धिमान लोगों के अधिक प्रमाण चाहता है। चूंकि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मेरे पास ऐसे लोगों द्वारा मांगे गई बौद्धिक प्रमाण नहीं थे, जब तक कि मैंने निवेश पर एक बेहतरीन पुस्तक नहीं पढ़ी। जेम्स पी ओ शांसी ने उन लोगों के लिए एक आदर्श पुस्तक लिखी है जो सोचते हैं कि निवेश जोखिम भरा, जटिल और खतरनाक होना चाहिए। यह उन लोगों के लिए भी आदर्श पुस्तक है जो सोचते हैं कि वे बाजार से ज्यादा चतुर बनकर उसे हरा सकते हैं। इस पुस्तक में यह सैद्धांतिक और संख्यात्मक सबूत हैं कि निवेश की प्रक्रिया या मशीनी प्रणाली अधिकतर मामलों में निवेश की इंसानी प्रणाली को हरा देगी, भले ही उस प्रणाली में पेशेवर निवेशक निवेश कर रहे हों, जैसे कि फंड मैनेजर। यह पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे क्यों नहीं बना पाते। ओ शांसी की बेस्ट सेलिंग पुस्तक का शीर्षक है व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट, द क्लासिक गाइड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ ऑल टाइम। ओ शांसी निर्णय लेने के 2 बुनियादी तरीकों में फर्क बताते हैं। पहला, तर्क और सहज ज्ञान पर आधारित। यह तरीका ज्ञान, अनुभव और सहज बोध पर आधारित है। दूसरा, संख्यात्मक या आंकड़ों पर आधारित। यह तरीका आंकड़ों के बड़े नमूनों पर आधारित आजमाए हुए संबंधों पर पूरी तरह निर्भर होता है। ओ शांसी ने पाया कि अधिकतर निवेशक निवेश निर्णय लेते वक्त सहज ज्ञान के तरीके को पसंद करते, आंकड़ों में वे गलत निकले या उन्हें लगभग मशीनी तरीके ने हरा दिया। वे लिखते हैं, हम जिसे कारगर मानते हैं और जो सचमुच कारगर होता है, उनके बीच भारी अंतर होता है। वे द लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग के लेखक डेविड फास्ट का कथन बताते हैं, जितना हम मानते हैं मानव विवेक उससे कहीं अधिक सीमित है। ओ शांसी यह भी लिखते हैं, वे सभी मनी मैनेजर सोचते हैं कि उनके पास विजेता शेयर चुनने की बेहतरीन जानकारी, बुद्धि और योग्यता है। फिर भी 80% समय S&P 500 इंडेक्स उन्हें हरा देती है। दूसरे शब्दों में, शेयर चुनने का विशुद्ध मशीनी तरीका 80% पेशेवर शेयर चुनने वालों को हरा देता है। इसका मतलब है कि भले ही आप शेयर चुनने के बारे में कुछ न जानते हों, लेकिन इसके बावजूद आप अधिकतर तथाकथित प्रशिक्षित उच्च शिक्षित पेशेवरों को हरा सकते हैं, बशर्ते आप निवेश की एक विशुद्ध मशीनी गैर सहज ज्ञान की प्रणाली पर अमल करें। यह वैसा ही है जैसा अमीर डैडी ने कहा था, यह स्वचालित है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आप जितना कम सोचते हैं, आप कम जोखिम और कम चिंता के साथ उतना ही अधिक पैसा बनाते हैं। ओ शांसी की पुस्तक में कुछ अन्य रोचक विचार भी हैं। पहला, अधिकतर निवेशक सरल बुनियादी तथ्यों या आधार दरों के बजाय व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर वे वास्तविकता के बजाय सहज बोध पर भरोसा करते हैं। दूसरा, अधिकतर निवेशक सरल के बजाय जटिल फार्मूलों को पसंद करते हैं। यह विचार लोकप्रिय लगता है कि अगर फार्मूला जटिल और मुश्किल नहीं है तो यह अच्छा फार्मूला नहीं हो सकता। तीसरा, निवेश का सर्वश्रेष्ठ नियम है, इसे सरल रखो। वे कहते हैं कि चीजों को सरल रखने के बजाय हम चीजों को जटिल बनाते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं, किसी शेर की कहानी से प्रेम करने लगते हैं, अपने जज्बातों के आधार पर निर्णय लेते हैं, सलाहों और आभासों के हिसाब से खरीदते बेचते हैं, और हम निवेश को प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर लेते हैं, जिसमें कोई निहित तालमेल या रणनीति नहीं होती। चौथा, आम निवेशक जो गलतियां करते हैं, पेशेवर संस्थागत निवेशकों में भी वही गलतियां करने की प्रवृत्ति होती है। ओ शांसी लिखते हैं, संस्थापक निवेशक कहते हैं कि वे निष्पक्षता से भाव रहित निर्णय लेते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। विलियम एम ओ बार और जॉन एम कालनले की पुस्तक फॉर्च्यून एंड फोली लगातार पुस्तक
फॉर्च्यून एंड फोली का एक कथन देखें। हालांकि संस्थागत निवेशकों की डेस्क पर गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भरी रहती है, लेकिन अधिकतर पेंशन अधिकारी अंदरूनी भावनाओं के आधार पर बाहरी मैनेजर चुनते हैं और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले मैनेजरों को सिर्फ इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि उनके साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। पांचवा, निवेश सफलता हासिल करने की राह पर है। दीर्घकालीन परिणामों का अध्ययन करना और एक या कई रणनीतियां खोजना जिनमें समझदारी नजर आती है, फिर उस राह पर बने रहना। वे यह भी कहते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि शेयर नहीं बल्कि रणनीतियां कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। छठा, इतिहास खुद को दोहराता है। बहरहाल, लोग इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि इस बार परिस्थितियां भिन्न होंगी। वे लिखते हैं, लोग यह यकीन करना चाहते हैं कि वर्तमान अतीत से अलग होगा। बाजार अब कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, थोक शेयर व्यापारियों का वर्चस्व हो गया है, छोटे निवेशक बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर विशाल म्यूचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले मनी मैनेजर बैठे हैं जिन्हें छोटे निवेशकों ने अपना पैसा दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मनी मैनेजर्स अलग तरीके से निर्णय लेते हैं। वे यकीन करते हैं कि अतीत में आदर्श रणनीति यह नहीं बता सकती कि यह भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगी, लेकिन तब से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जब अद्भुत प्रक्रिया के धनी सर आइजैक न्यूटन ने 1720 के साउथ सी ट्रेडिंग कंपनी बबल में अपनी दौलत गंवाई थी, न्यूटन ने अफसोस के साथ कहा था कि वे आकाशीय पिंडों की गतियों की गणना तो कर सकते थे लेकिन इंसान के पागलपन की नहीं। सातवां, आपके पास जीते होते हैं, आपका निर्णय उतना ही बेहतर होता है। ओ शांसी ने इस फार्मूले की तलाश की जिसने सबसे लंबे समय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। जरूरी नहीं है कि ओ शांसी S&P 500 में निवेश करने को कह रहे हों। हालांकि उन्होंने सहज ज्ञान वाले मानव निवेशकों और मशीनी फार्मूले के बीच तुलना के रूप में इस उदाहरण का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आगे कहा है कि S&P 500 में निवेश करना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला फार्मूला भले ही न हो, लेकिन यह अच्छा फार्मूला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि एक खास सेक्टर जैसे बड़ी कंपनियों के शेयरों ने पिछले 5 से 10 सालों के बीच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन पिछले 50 साल के आंकड़ों को देखने पर दरअसल शेयरों का दूसरा सेक्टर जैसे छोटी कंपनियों के शेयर निवेशकों को सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ भी ऐसा ही था। इसलिए उनका फार्मूला था कि व्यवसाय बनाओ और फिर अपने व्यवसाय के माध्यम से अपनी अचल संपत्ति तथा कागजी संपत्तियां खरीदो। यह फार्मूला कम से कम 200 सालों से दौलत का विजेता फार्मूला रहा है। अमीर डैडी ने कहा था, जिस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूं और जो फार्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यह वही फार्मूला है जिसने लंबे समय से सबसे अमीर लोगों को अमीर बनाया है। कई लोग सोचते हैं कि जिन रेड इंडियंस ने डच वेस्ट इंडिया के पीटर मिन्यूट को मैनहट्टन आइलैंड बनाम न्यूयॉर्क सिटी $24 की मालाओं और सस्ते आभूषणों के बदले में बेची थी, उन्होंने घाटे का सौदा किया था। लेकिन अगर उन रेड इंडियंस ने उस पैसे का निवेश 8% सालाना ब्याज पर किया होता तो वे $24 आज $27 ट्रिलियन से अधिक होते। वे मैनहट्टन को दोबारा खरीद सकते थे और इसके बाद भी उनके पास पैसा बचा रहता। समस्या यह नहीं थी कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था, समस्या तो उनके पैसे के लिए योजना का अभाव था। एक कारगर फार्मूला खोजें और उसका अनुसरण करें। बरसों पहले अमीर डैडी का मेरे नाम यह सरल संदेश था, एक फार्मूला खोजो जो तुम्हें अमीर बना दे और फिर उसका अनुसरण करो। मैं अक्सर विचलित हो जाता हूं जब लोग मेरे पास आकर मुझे उस शेयर के बारे में बताने लगते हैं जिसे उन्होंने $5 में खरीदा था और जो $30 तक पहुंच गया तथा उन्होंने उसे बेच दिया। मैं खुद को विचलित इसलिए पाता हूं क्योंकि इस तरह की कहानियां उन्हें उनकी योजना उनकी सफलता से दूर भटका देती है। जोरदार सवाल और फटाफट नकदी की ऐसी कहानियां अक्सर मुझे एक कहानी की अमीर डैडी ने मुझे बताई थी
उन्होंने कहा था, कई निवेशक उस परिवार की तरह होते हैं जो देहात में घूमने जाता है, अचानक सामने सड़क पर कई बड़े हिरण आ जाते हैं, जिनके बड़े सींग होते हैं। ड्राइवर, जो आमतौर पर परिवार का पुरुष होता है, चिल्लाता है, इन बड़े हिरणों को देखो। सहज बुद्धि से हिरण सड़क से दूर भागते हैं और सड़क किनारे के खेतों में चले जाते हैं। ड्राइवर कार को सड़क से दूर ले जाता है और खेत में तथा पेड़ों के बीच उन बड़े हिरणों का पीछा करने लगता है। यात्रा कठिन और दचकों वाली होती है। परिवार चिल्लाने लगता है कि ड्राइवर गाड़ी रोक दे। अचानक कार एक नदी के तटबंध को लांघ जाती है और नीचे पानी में गिर जाती है। इस कहानी का सबक यह है कि जब आप अपनी सरल योजना का अनुसरण करना छोड़ देते हैं और हिरणों भारी दौलत का पीछा करना शुरू करते हैं तो आपका भी यही हश्र होता है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूं पैसे बनाने में पैसे की जरूरत होती है, तो मैं सिहर जाता हूं। मैं इसलिए सिहर जाता हूं क्योंकि अमीर डैडी ने कहा था, आपको अमीर बनने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत करने के लिए कॉलेज की शिक्षा, ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी या पैसे की जरूरत भी नहीं है। आपको तो बस यह जानने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। आपके पास एक योजना होनी चाहिए और आपको उसी से चिपके रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसमें बस थोड़े से अनुशासन की जरूरत होती है। समस्या यह है कि पैसे के मामले में यही थोड़ा सा अनुशासन प्राय दुर्लभ होता है। ओशांसी मेरे एक प्रिय कथन को रेखांकित करते हैं। यह मशहूर कॉमिक स्ट्रिप पात्र पोगो का है, जिसे वाल्ट केली ने बनाया था। पोगो ने कहा था, हमें शत्रु मिल गया है और वह हम खुद हैं। यह कथन मेरे मामले में बहुत सच है। अगर मैंने अपने अमीर डैडी की बात सुनी होती और बस अपने फार्मूले का अनुसरण किया होता, तो मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छी हालत में होता। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न यह है, क्या आप अपनी योजना के हिस्से के रूप में एक सरल फार्मूला खोजने और उस पर अमल करने को तैयार हैं, जब तक कि आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक न पहुंच जाएं? हाँ या नहीं? धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 9 की तरफ, जो है, आप अपने लिए सही योजना कैसे खोज सकते हैं।